जहां सरकार कांग्रेस की रह चुकी उस जगह पे भी कांग्रेस सरकार बनाने में नाकाम रही। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अगर उनकी मजबूती को तोड़ना है तो आपको हमको सबको इकट्ठा होकर के आने वाला 2024 का इलेक्शन लड़ना होगा, तभी आप बीजेपी को मात दे पाएंगे, नहीं तो बीजेपी को मात देने में आप लोग नाकाम रहेंगे। इस नाकामी से अगर बचना है तो सबको एक होना होगा और सभी क्षत्रिय पार्टियों को जगह देना होगा। बात कर रहे हैं बीजेपी को कहीं ना कहीं भगाने की, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आप लोग MIM लड़े नहीं, वहाँ जाके बीजेपी परचम लड़ा है, देखिए आप लोग भी वहाँ पहल कर सकते थे। देखिए ऐसा है, बीजेपी को भगाने, बीजेपी को हराने के लिए हर सेकुलर जमात और हर सेकुलर आदमी आज की डेट में मेहनत भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है और दुआ भी कर रहा है। वो कारण इसलिए है क्योंकि उनका जो एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है, कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ के लिए, दलित महादलित के लिए कहीं ना कहीं उनका जो रवैया है वो ठीक नहीं है। वो बगल में बैठाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन जो उसका मुकाम होना चाहिए वो मुकाम किसी भी हालत पे देने के लिए वो तैयार नहीं है। आज जो मॉब लिंचिंग का मामला हो रहा है, जगह जगह पे जो गौ हत्या के नाम पर जो आदमियों को मारा काटा जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ के लोग डरे सहमे हुए हैं और इस डर और जो खौफ से अगर निकलना है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग के पास में सेकुलर जमात ही है जिसकी हम तायद कर सकते हैं। और सेकुलर जमात लोग अगर सारे क्षेत्रीय पार्टी को, छोटे छोटे दल को अगर एक करके अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो ये जो सफ़र 2024 का है वो आसान होने वाला नहीं है। जैसे कि लोगों का कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी का बी टीम तो रह चुके हैं MIM पर, हिंदू का एंटी और मुस्लिम का पर्टिकुलर नेता माना जाता है अवेसी साहब को, देखिए छत्तीसगढ़ में नहीं लड़के अगर जो है MIM अगर सांप्रदायिक पार्टी या सांप्रदायिक ताकतों की वाली पार्टी अगर होती तो जाहिर सी बात है ऐसे पार्टी के लोग बहुत सारे जेल में चले गए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब सिर्फ और सिर्फ जुल्म के ख़िलाफ़ और मजलूमों की आवाज़ वाली राजनीति करते हैं, उसका वो एजेंडा बिल्कुल कतई नहीं है, वो हिंदू मुसलमान वाली राजनीति नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से किसी भी स्टेट में किसी के ऊपर भी जुल्म हो उसकी नुमाइंदगी वो लोकसभा में करते हैं और बेबाक तरीके से नुमाइंदगी करते हैं। वो बैरिस्टर है, वो कोई जाहिल नेता नहीं है, वो बैरिस्टर है और वो जानता है कि कानून के दायरे में किस अंदाज से बात किया जाता है और ऐसे ही उनको संसद रत्न अवार्ड नहीं मिल गया है। संसद रत्न अवार्ड मिलने जैसे आप बिहार में नहीं, कई सालों से लोग MLA MP बने होते हैं लेकिन वो नहीं मिला होता है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब दो बार संसद रत्न अवार्ड ले चुके हैं, ये आपको जानकारी में मैं बता दूं। हैदराबाद का नेतृत्व करते हुए क्या सिर्फ देश में राज कर पाएंगे अवेसी साहब? इस तरह की पार्टिकुलर सिर्फ हैदराबाद में लड़ना, छत्तीसगढ़ को छोड़ देना, राजस्थान को छोड़ देना, बिहार में अगर मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है तो बिहार में लड़ रहे, UP में नहीं परचम लहरा पाए, इस तरह की राजनीति कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाएंगे क्या? मैं आपको बता दूं कि आप सीमांचल इलाके से आते हैं और आप भी मीडिया बंधु हैं, आप भी बिहार से आते हैं। अब आप जिसको सेकुलर जमात बोलते हैं, आप RJD का ले लीजिए, क्या आपको मालूम है कि 2019 का इलेक्शन में RJD खाता भी MP में खोल नहीं पाई, जबकि देश में बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब की पार्टी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 MP हैं। तो आप ये बता दिए कि पार्टी अगर पार्लियामेंट की बात करें तो आपका RJD मजबूत है या MIM मजबूत है? अल्हम्दुलिल्लाह MIM का 2 MP है और इनका 1 भी MP नहीं है। ये अगर सांप्रदायिक वाली बात करते हैं तो इनको MP नहीं बनाता, जिस क्षेत्र से दोनों MP जीत के गए हैं, कहीं ना कहीं हिंदू आबादी 50% से ज़्यादा है, उसके बावजूद भी हमारा MP जीत करके पार्लियामेंट में गया है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की अवाम ये जानती है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब के जो नुमाइंदे हैं वो सिर्फ काम और डेवलपमेंट की बात करते हैं और उस बुनियाद पर वोट मांगते हैं, वो किसी तरह का कोई जो है मतलब ताकत को बढ़ावा देने का काम बिल्कुल नहीं करते। जैसे आप बता रहे हैं कि हैदराबाद उसका गढ़ है MIM का और घर होने के बावजूद भी सिर्फ 7 सीटों पे लड़ती है और सीमांचल बिहार जहाँ कोई गढ़ नहीं है उनका और यहाँ 21-22 सीटों पे लड़ती है। देखिए रीजन क्या है, ये वजह से क्या सोचा? ये कहावत है कि देखिए आपका जितना बड़ा चौकी होगा पैर आप उतना ही बड़ा फैलाएंगे। जाहिर सी बात है कि चौकी होगा अगर 6 फीट का, आदमी होगा 7 फीट का, तो जो 6 इंच ही बाहर जाएगा ना तो कोई भी आपको आना जाने वाला ठोकर मार करके आपका पैर को समेट देगा। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है ये जानती है कि हम कहाँ तक सक्षम हैं और कितने नुमाइंदों को हम टिकट दें जो हम मेहनत करके मुशक्कत करके जिता सकते हैं। देखिए आपका एक चीज़ बताइए, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, बिहार से सात लोकसभा में लड़ती है, क्यों?
कहने का मतलब ये है कि साथ इसलिए उसको दिया जाता है कि उसको लगता है कि कांग्रेस का साथ ऐसा मजबूत सीट है जहाँ से वो सीट निकाल सकता है। उसी हिसाब से MIM ऐसे जगहों पर लड़ती है जहाँ उनको लगता है कि हम यहाँ से सीट निकाल सकते हैं और सारे अकलियतियों के, दलित के, मुस्लिम के, जो भी पीड़ित लोग हैं, जो भी मजलूम लोग हैं, उसकी आवाज़ बन सके। आवाज़ उठाने के लिए एक MLA MP भी काफ़ी होता है, तादाद कोई ज़रूरी नहीं है। आवाज़ जो प्रोसीडिंग में नोट होता है उसके लिए एक MP, एक MLA भी काफ़ी होता है। वो उसी वजह से वो सिर्फ ऐसी जगहों पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं जहाँ पर वो लोगों की, अवाम की नुमाइंदगी कर सके और विधानसभा में या पार्लियामेंट में अवाम की आवाज़ को पहुँचा सके, इसलिए वो सीमित जगहों पर लड़ते हैं। संदेश देना चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान को? देखिए 2024 का मैं ये संदेश यही देना चाहता हूँ कि अभी जो हालात हैं, अभी के हालात को देखते हुए अगर ये जो इंडिया गठबंधन बना है, ये इंडिया गठबंधन किसी भी छोटे दलों को अगर नकारती है या उसको नज़रअंदाज करती है तो आने वाला वक्त जो है कांग्रेस के लिए और चुनौतीपूर्ण होगा। इसीलिए मेरा मांग है, इसलिए मैं देशवासियों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने अपने सेकुलर जमात को समझाइए कि किसी भी जमात को छोटा बड़ा ना समझें। जितना भी सेकुलर दल जमात है सबको लेकर के लोकसभा का इलेक्शन लड़ें। इंशाल्लाह 2024 का इलेक्शन अगर फतेहयाब होना है, कामयाब होना है, तो कोई भी दल को आपको नज़रअंदाज नहीं करना होगा। सबको दिल में जगह दीजिए और आगे बढ़िए। इंशाल्लाह 2024 का जो इलेक्शन है जो इंडिया गठबंधन के हक में होगा।